तो आज हम बनाएंगे देहात की एक बहुत टेस्टी रेसिपी जो है चिचिंदा का भुंजिया। इसे बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और ये खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। इसे हिंदी में चिचिंदा कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्नैगॉट कहते हैं। ये अभी मार्केट में इजली मिलता है, तो मार्केट से आप इसे पहले लेके आए और बहुत ही पतले पतले लेंगे तो ज्यादा स्वादिष्ट इसकी भुजिया बनेगी। तो चिचिंदा के ऊपर वाले जो लेयर होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, उसे चाकू की सहायता से हल्के से घिस लें। घिसने के बाद अच्छी तरीके से धो लें और फिर इसे इस तरीके से गोल गोल पीस में काट लें। सबसे पहले ये वाला भुजिया बनाना काफी ज्यादा आसान होता है, जल्दी बन भी जाता है। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि ये सूखी भुजिया बनती है। तो यहाँ पे हमारा सारा चिचिंदा कट चुका है, बस आप कढ़ाई लीजिए, उसमें डाल दीजिए सरसों तेल। ये वाला भुजिया जो है सरसों तेल में काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। फिर उसमें हम डालेंगे फोरन, जब तेल गर्म हो जाए तो। जब फोरन चटक जाए तो उसमें सारे कटे हुए चिचिंदे को डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, एक मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी पाउडर, और इसमें कोई मसाले का हम यूज़ नहीं करते हैं, ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप मीडियम फ्लेम पे इसे ढक के छोड़ दें और बस आप देखेंगे कि 2 मिनट के अंदर आपका यहाँ पे चिचिंदा का भुंजिया बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से देहाती और बिहारी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।